Hello everyone, welcome to Study Chakra. So we'll talk about measurement of time in this video. देखो हम लोग already time के बहुत से units के बारे में बात कर चुके हैं, अलग अलग units के बारे में, जिसमें अगर मैं बड़े बड़े units की बात करूँ तो उसमें solar day आता है, solar year, lunar month, ऐसे बहुत से units के बारे में already हम लोग बात कर चुके हैं. ये time के बड़े बड़े units हैं. पर अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो डेली बेसिस पे हम लोग जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो है आर, मिनट और सेकेंड, राइट? ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि टाइम के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं? क्लॉक यूज़ करते हैं, राइट? और क्लॉक किस बेसिस पे टाइम का मेजरमेंट लेता है, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. देखो अगर हम बहुत पहले की बात करें तो बहुत पहले जो क्लॉक यूज़ होता था वो पेंडुलम क्लॉक यूज़ होता था. पेंडुलम क्लॉक में ये इस तरीके से एक पेंडुलम लटका हुआ होता था और ये जो पेंडुलम है ये आगे पीछे इस तरीके से ऑसिलेट करता था. नाउ इसके ऑसिलेशन पर ही इस क्लॉक के टाइम के का मेजरमेंट बेस्ड होता था. कैसे, थोड़ा समझते हैं. देखो अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा कोई क्लॉक है और इसका पेंडुलम एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक ऑसिलेशन पूरा चक्कर लगाने के लिए वो एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो गया, एक सेकेंड. तो अब देखो क्लॉक क्या करती थी, मैं पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आप इतना समझो कि क्लॉक करता क्या है, उसे कैसे पता कि एक सेकेंड कितना बताना है. तो वो क्या करता था, इस क्लॉक को इस पेंडुलम को देखता था. इस पेंडुलम ने अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया तो फिर वो एक सेकंड का टाइम बताएगा. अब इसके पीछे क्या होता है, वो किस तरीके से अटैच होता है, कैसे व्हील्स लगे होते हैं और व्हील्स रोटेट होता है तो इसका कांटा रोटेट होता है, मैं उस मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ. मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज़ समझने के लिए बोल रहा हूँ कि ये क्या करता है, मतलब क्लॉक को कैसे पता कि कितना टाइम इंटरवल को एक सेकेंड बताना है. तो वो क्या करेगा, इस पेंडुलम का ऑसिलेशन देखेगा. अगर इस पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो वो एक सेकंड बताएगा, अगर दो ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो दो सेकंड बताएगा, और वो इसी तरीके से अपना काम करता रहेगा. लेकिन इसमें अब देखो गड़बड़ क्या होता है, जैसे मान लो मैंने दो क्लॉक्स, तीन क्लॉक्स, चार क्लॉक्स ऐसे ही बना दिए, सेम कॉपी बनाया, तो अगर सपोज करो पेंडुलम के लेंथ में फ़र्क आया क्लॉक्स के बीच में तो फिर सब अलग अलग टाइम दिखाएगी. मतलब ये कि अगर सारे पेंडुलम सेम टाइम नहीं ले रही है सारे क्लॉक में, तो वो क्लॉक सारे एक साथ सेम टाइम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्लॉक का टाइम बताने का तरीका ही यही है कि वो पेंडुलम का ऑसिलेशन गिनेगा, एक ऑसिलेशन हुआ तो वो एक सेकंड बता देगा. अब अगर कोई क्लॉक, किसी क्लॉक में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी पेंडुलम के लेंथ में, तो उसका टाइम पीरियड बदल जाएगा, तो वो हो सकता है एक सेकंड से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे में उसकी घड़ी जो है वो एक सेकंड लेट बताएगी. और अगर मान लो किसी क्लॉक में वो एक सेकंड से कम टाइम में ही एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले रहा है, तो वो वाली जो घड़ी है वो एक सेकंड जल्दी बता देगी, हालांकि एक सेकंड हुआ नहीं है पर वो बता देगी. तो ऐसे केस में क्या होता है, सारे क्लॉक्स का टाइमिंग मैच नहीं करेगा. और दूसरी बात ये कि एक्चुअल में जो टाइम हुआ रहेगा वो एक्यूरेटली टाइम नहीं बता पाएगा. दूसरी बात ये भी होती है, जैसे कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस हो गए, मान लो टेम्परेचर प्रेशर में चेंजेस आया, क्लाइमेट चेंज हो गया, उसके वजह से अगर मान लो ये जो लेंथ है पेंडुलम का अगर वो चेंज हो गया, तो इससे होगा क्या कि वो एक सेकेंड इसका फिक्स नहीं रहेगा. जैसे समर में गर्मी के टाइम पर इसका पेंडुलम का लेंथ बढ़ गया तो ये पेंडुलम आराम से घूमेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगाएगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में. तो ऐसे केस में ये एक सेकेंड देरी से बताएगा, मतलब एक सेकेंड हुआ रहेगा लेकिन ये थोड़ा लेट बताएगा. ठंडी में मान लो सिकुड़ गया तो ऐसे केस में वो एक सेकेंड जल्दी बता देगा, तो इसका एक सेकेंड फिर फिक्स नहीं रह पाएगा. हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, अगर आप देखो कि सिंपल पेंडुलम में अगर हम मान के चलो कि एक सेकेंड में ये एक ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, और ऐसा अगर मैं पेंडुलम क्लॉक यूज़ करूं तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 24 घंटा बीत जाए तो हो सकता है 24 घंटा बीत गया हो लेकिन
ये क्लॉक 24 घंटा 10 मिनट दिखा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 24 घंटा 10 मिनट बीत गया हो और वो 24 ही घंटा दिखा है। डिपेंड करता है कि पेंडुलम में कैसे चेंजेस आ रहे हैं पेंडुलम के लेंथ में, राइट। तो टाइम में मतलब एक दिन में 10 मिनट तक का गड़बड़ हो सकता है, ये जो इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो एक दिन में 10 मिनट तक की गड़बड़ी वो कर सकता है, मतलब ये गड़बड़ी मिनटों में करता है दिन में, राइट। तो इसकी अनसर्टेनिटी हम कैसे कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्लॉक एक सेकंड में एक ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है, अगर ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ जाए एक सेकंड में, या मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए, तब इसकी अनसर्टेनिटी या ये जो गड़बड़ी दिख रही है ये गड़बड़ी कम हो जाएगी। मान लो हम कोई एक ऐसा पेंडुलम क्लॉक बना ले जो एक सेकंड में दो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, तो एक सेकंड में दो ऑसिलेशन परफॉर्म करने का मतलब है कि एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए वो आधा सेकंड ले रहा है, मतलब वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट हो रहा है। तो जब ये जल्दी जल्दी ऑसिलेट होगा तो टाइम में गड़बड़ी वो कम करेगा, और ये जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा एक सेकेंड में, वो क्लॉक उतना ही एक्यूरेट टाइम का मेजरमेंट दिखाएगा। लेकिन इस ऑसिलेशन को हम लोग पेंडुलम में ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाता है अगर मैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकेंड में बढ़ा दूँ। सो मोर ऑसिलेशंस इन वन सेकेंड, देर विल बी लेस अनसर्टेनिटी इन टाइम। लेकिन अपना इसका एक लिमिट था, आप ज़्यादा ऑसिलेशंस वाला पेंडुलम नहीं ला सकते। सो फाइनली जब डेवलपमेंट हुआ क्लॉक्स में, तो आपने ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाला वॉच अभी आता है, जो रिस्ट वॉचेस होते हैं उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करते हैं। देखो इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फोक जैसा इसका शेप बनाते हैं, और ये ट्यूनिंग फोक जैसा शेप बनाकर इसको वाइब्रेट करवाते हैं, राइट। अब देखो वाइब्रेट मतलब ऑसिलेशन ही समझ लो इसका। अब ये वाइब्रेशन एक्चुअली में इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। ये मटेरियल कुछ ऐसा है कि अगर मान लो इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, राइट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक ऐसा मटेरियल है। अब ये जो रिस्ट वॉचेस होते हैं ये इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल के वाइब्रेशन पर अपना टाइम मेजरमेंट दिखाता है, राइट। अब मैंने जैसे बताया था कि अगर इसका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, जैसे मैंने पेंडुलम में कहा था कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अगर ज़्यादा हो तो टाइम के मेजरमेंट में जो गड़बड़ी होती है या अनसर्टेनिटी होती है वो कम हो जाता है। अगर इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का आप फ्रीक्वेंसी देखो या एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस देखो, तो आपको पता चलेगा कि इसमें गड़बड़ी कितनी कम होगी। वो एक दिन में 10 मिनट की गड़बड़ी कर सकता था क्लॉक पेंडुलम। अब देखो यहाँ पे ये एक सेकेंड में इसके वाइब्रेशंस कितने होते हैं, 32,768, मतलब बहुत ही ज़्यादा है अगर पेंडुलम क्लॉक से कंपेयर करें तो। ना इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वो एक सेकेंड में ही परफॉर्म कर लेता है ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो ट्यूनिंग फोक बनाया है, राइट। और ये घड़ी अब क्या करती है, ये जो वाइब्रेशंस है इसको देखती है, मतलब ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पे जो दिख रहा है, अगर इसने 32,768 वाइब्रेशंस कंप्लीट किए तो घड़ी एक सेकंड दिखा देगा, अगर इसके डबल वाइब्रेशंस कंप्लीट किए तो ये दो सेकंड दिखा देगा, और इसी तरह से टाइम का मेजरमेंट या टाइम नोट करता है इस तरह के वॉचेस। समझ में आ रही है बात। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो सकती है कि जैसे हमने 10-15 वॉचेस ऐसे बना दिए, तो ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है सबका नंबर ऑफ वाइब्रेशंस फिक्स करना पॉसिबल नहीं है कि इतने ही होंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो जाता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस में। लेकिन ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का डिफरेंस जो होता है काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से सबका टाइम ऑलमोस्ट सेम दिखाता है, राइट। तो इस केस में ये जो वॉच है, क्योंकि इतने वाइब्रेशंस ज़्यादा हैं, सो दैट मेक्स इट अ हाईली एक्यूरेट वॉच, ये काफ़ी एक्यूरेट वॉच होता है क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, एंड हेंस इसमें जो गड़बड़ी होती है वो बहुत कम होती है, सो देयर इज़ वेरी लेस अनसर्टेनिटी। अगर मैं गड़बड़ी की बात करूँ तो पूरा एक दिन आप यूज़ करोगे तो पूरे एक दिन में यानी कि 24 घंटे में सिर्फ एक सेकेंड की गड़बड़ी हो सकती है, मतलब एक सेकेंड कम ज़्यादा होता है। जहाँ पेंडुलम में हमने देखा था मिनटों में गड़बड़ी हो रही थी, इसमें सिर्फ सेकेंड में, वो भी एक सेकेंड, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकेंड की गड़बड़ी हो सकती है इस पूरे दिन में।
सो वॉच लूजेज और गेन ओनली अबाउट 1 सेकेंड इन अ डे, मतलब काफ़ी एक्यूरेट मेजरमेंट देता है टाइम का अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ किया, बिकॉज सच अ ग्रेट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर देयर इन 1 सेकेंड. पर ये जो 1 सेकेंड की गड़बड़ी थी ये भी साइंटिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी मेजरमेंट के लेवल के बारे में बताया था. तो जिस लेवल की मेजरमेंट की जाती है उस हिसाब से ये 1 सेकेंड की गड़बड़ी भी साइंटिस्ट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था. समझ में आ रहा है? तब इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो. तब लोग गए एटॉमिक क्लॉक पे और एटॉमिक क्लॉक बनाया गया. अब देखो एटॉमिक क्लॉक में बेसिकली क्या फंडा है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इसमें एक्चुअली सीजियम एटम के अंदर वाइब्रेशंस का यूज़ करते हैं, उस बेसिस पे टाइम का मेजरमेंट होता है, इसलिए इसको सीजियम एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं. और यहाँ पे जो एटम होता है वो सीजियम 133 एटम के अंदर का जो वाइब्रेशंस होते हैं उस पर ये क्लॉक बेस्ड है. देखो इसमें भी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को ही देखा जाता है, राइट? तो मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया था, ये जो पूरा का पूरा जो केस है सीजियम 133 एटम का, जब हम लोग 1 सेकेंड को डिफाइन कर रहे थे ऐसा यूनिट 1 सेकेंड को, राइट? तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इस एटम में अगर ये एटम ग्राउंड स्टेट में है तो ये दो नज़दीक के लेवल्स होंगे इसके, जिसको हाइपर फाइन लेवल्स बोलते हैं, और इनके बीच का जो ट्रांजिशन होता है इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं रेडिएशन को देखूँ तो इस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर मैं यहाँ पर उसको वाइब्रेशन ही बोल रहा हूँ, तो इसके वाइब्रेशन पे अगर आप नज़र डालोगे इस रेडिएशन के वाइब्रेशन पे, देन इट इज़ 9,019,26,31,770 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड. समझ में आ रहा है? इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस होता है 1 सेकेंड में. तो आप सोचो कि इसकी एक्यूरेसी किस लेवल की होगी. मतलब हम लोगों ने देखा था यहाँ पे अभी जो क्लॉक क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाला क्लॉक देखा उसमें 32,768 वाइब्रेशन ही है 1 सेकेंड में, तब वो इतना एक्यूरेट था. अब इसमें इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में हो रहे, तब सोच लो कि ये कितना ज़बरदस्त एक्यूरेसी देता होगा टाइम मेजरमेंट में. अब इसकी एक्यूरेसी कितनी थी क्वार्ट्ज क्रिस्टल की, कि वो एक पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 1 सेकेंड की गड़बड़ी कर सकता है. पर इसकी एक्यूरेसी आप देख लो कि इसकी अनसर्टेनिटी जो है वो 10^13 में, इट इज़ 1 part in 10^13. मतलब ऐसा समझो कि ये क्लॉक 0.00003 सेकेंड लूज या गेन करता है 1 साल में. मतलब 1 साल के टाइम में वो सिर्फ 0.00003 सेकेंड की गड़बड़ी कर सकता है. कहाँ ये क्लॉक क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाला एक दिन में 1 सेकेंड की गड़बड़ी करता था, और कहाँ ये 1 साल में ये लगभग 3 माइक्रोसेकेंड की ही गड़बड़ी कर रहा है. मतलब 1 सेकेंड की गड़बड़ी करने के लिए इस क्लॉक को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. समझ में आ रही बात? इसलिए इतना ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ टाइम का मेजरमेंट देता है. तो अब तो नॉर्मली जो साइंटिस्ट है वो एटॉमिक क्लॉक का ही यूज़ करते हैं, उनको हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए टाइम का. तो देखो ये क्लॉक इंडिया में भी है, इंडिया में NPL में है, दैट इज़ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी. और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन कर सके. तो इस तरीके से हम टाइम का मेजरमेंट लेते हैं. ठीक है, थैंक यू.